असल डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड सेवन सो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर फोर के एक्सरसाइज फोर बी के रिमेनिंग क्वेश्चन तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्कर्स एंड स्कूट एंड एक्सरसाइज फोर बी क्वेश्चन नंबर सिक्स

अब वो नंबर ऑफ रोज कितनी है ये आपने कैलकुलेट करना है एंड दैट मीनस कि हमने बेसिकली इसका स्क्र रूट फाइंड करना है बिकॉज स्क् रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उतने ही नंबर ऑफ रोज भी वहां पर मौजूद हैं और उतनी ही एक रो में ट्रीज भी मौजूद हैं क्लियर सो लेट सॉल्व इट राइट द सोल्यूशन so to find number of rows take the square root Of five seven seven six hundred. So let's find the square root by long division method. So five seven seven six double zero. So first of all, we make pairs. Okay. सो so, अब 57 के साथ नियरस्ट परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है विच इज 49 और ये परफेक्ट स्क्वेयर किसका है ये सेवन का परफेक्ट स्क्वेयर है और ये परफेक्ट स्क्वेयर 49 जो है बेसिकली सेवन का स्क्वेयर होता है 49 नाइन सो दैट्स वाई यहां पर हम सेवन से डिवाइड कर देंगे सो सेवन इंटू सेवन इट बिकम्स फोर्टी नाइन सो so फर्दर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 सेवन माइनस इट बिकम्स एट और यहां से ये पेयर नीचे आ जाएगा 76 नाउ दिस सेवन एड इनटू दिस सेवन सेवन प्लस सेवन इट बिकम्स 14 सो so 14 के साथ आप क्या कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि आप उसी से मल्टीप्लाई करवाएं तो यहां पर 876 या फिर इसके नियरस्ट कोई वैल्यू आ जाए सो so, अगर मैं यहां पर 6 ऐड करता हूं और फर्दर 6 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं सो वन फोर्टी सिक्स इंटू सिक्स इट बिकम एट सेवेंटी सिक्स सो सेपरेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो क्लियर दैट मीन्स अब यहां पर जो लास्ट पेयर है जीरो जीरो सो दैट मीन इस पेयर से हम एक जीरो जो है वो हम यहां पर लिख लेंगे सो सेवन सिक्सटी रोज जो है वहां पर मौजूद होंगी और एक रो के अंदर सेवन सिक्सटी ट्रीज जो है वो प्लांट होंगे ओके सो राइट द स्टेटमेंट सो द नंबर ऑफ रोज आर

जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रो में हैं उतनी ही नंबर ऑफ रोज हैं उस हॉल में सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो कि एक रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं सो so, हम फाइंड करेंगे बाय डिविजन मैथर्डर रूट लेंगे और उसके थ्रू हमें क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो स्टैंड करते हैं सो राइट द सोल्यूशन to find number of students in each row take square root of 529

सो so, फाइव के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है विच इज फोर और फोर जो है वो स्क्वायर होता है टू का सो so हम सॉल्व करते हैं टू टू इट बिकम्स फोर सो फाइव माइनस फोर इट बिकम्स वन ओके सो ये पेयर एज इट इज नीचे आ जाएगा वन टू नाइन सो ये टू इसमें एड हो जाएगा सो टू प्लस टू इट बिकम्स फोर तो अब यहां पर साथ हम कौन सा नंबर लिखेंगे थ्री सो so, थ्री मैं यहां भी मैं मैंशन कर रहा हूं सो फोर्टी थ्री इंटू थ्री इट बिकम्स वन टू नाइन ओके सपरेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो सो ट्वेंटी थ्री नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग इन एच रो नंबर ऑफ स्टूडेंट

हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास उस टेबल की एक साइड की लेंथ आ जाएगी ओके सो एज वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू एल basically हमें लेंथ फाइंड करनी है तो बेसिकली हमें स्क्वेयर को खत्म करना होगा ओके तो स्क्वेयर को खत्म करने के लिए हम यहां पर स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करेंगे so to find length of the side of table take square root of its

So, यहां पर हम डिवाइड कर देते हैं इसको फर्दर एट से मल्टीप्लाई बाई एट एट इन एट इट बिकम सिक्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो सो फर्दर यहां पर पेयर जो रह गया है वो है जीरो जीरो सो इसकी वजह से एक जीरो हम यहां पर मैंशन कर देंगे सो so, हमारे पास उस एक साइड की लेंथ आ जाएगी 80 सेंटीमीटर ओके सो The length of the side of table is eighty centimeter. Clear. Yeah. So now move to the next question. Question number eleven. What is the smallest number that will divide into two one six to get a perfect square? So, वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिसको आप टू वन सिक्स से फर्दर डिवाइड करें तो वो परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए सो लेट्स फाइंड इट आउट सो टू वन सिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टराइज करते हैं ज इट इज एन इवन नंबर दैट्स वाई वो सोल्व इट ऑन टू सो टू वन जू एंडन वन सॉल्व नहीं हो सकता दैट्स वाई यहां पर आप जीरो मैंशन कर देंगे और यहाँ पर टू डिट्स हम एक साथ डिवाइड करेंगे सो टू एट सिक्सटीन सो अगेन टू फाइव जा टेन एंड टू फोर जा एट एंड देन टू टू ज फोर And one carry so two sevens are fourteen and then the odd number has the odd number comes solved for the three say so three nines are twenty seven and then three threes are nine and then three ones are three so two one six co how many factorize kiya. and it becomes two into two into two into three into three into. थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम पेयर्स बना लेते हैं सो एज इट बिकम्स बिकम्स पेयर एंड इट पेयर सो यहां पर टू और थ्री ये सिंगल रह गए इनका पेयर नहीं बने तो जो सिंगल रह जाते हैं आप उनको फर्दर मल्टीप्लाई करवा लेंगे और वो जो नंबर आएगा दैट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट कि जिसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे टू वन सिक्स से तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा सो so, राइट right, Two and three are in pairs, and two and three are not in pairs. Two and three are not in pairs. So 2 into 3 that is equal to 6 so divided by 6 to get the perfect square so divide 216 by 6 by 6 and that is equals to

सो so, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इनटू 216 सो 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर कि जो कि उसको डिवाइड करके उसको एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बना देगा क्लियर सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़